सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम नॉन स्टिक तवा को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा तवा है कितना ज्यादा गंदा हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑयली हो रहा है, स्टिकी हो रहा है और काफी हद तक जला भी हुआ है। इतने गंदे तवे को हम आसानी से किस तरीके से साफ कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉन स्टिक तवे को अच्छी तरीके से क्लीन करने के लिए मैंने लिया है एप्पल विनेगर से डार। आप यहाँ पर व्हाइट विनेगर भी ले सकते हैं, जो भी विनेगर अवेलेबल है आप वो विनेगर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा कप एप्पल विनेगर से डार लूंगी और सेम क्वांटिटी में मैं आधा कप पानी लूंगी। सबसे पहले मैं गैस को जला लेती हूँ। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर गैस जलाई है एंड इसके ऊपर मैंने तवा रख दिया है और अब इस तवे के ऊपर मैं आधा कप एप्पल विनेगर से डाल रही हूँ। आप व्हाइट विनेगर भी यूज कर सकते हैं, तो ये मैं एप्पल विनेगर से डाल दूंगी और साथ ही मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ। अब लगभग पैन को एक मिनट के लिए गर्म होने देंगे, पानी जो है वो उबल जाएगा। एक मिनट तक हम पानी को गर्म होने देंगे तो हम गैस को हाई फ्लेम पे कर देते हैं। यहाँ पर मैंने गैस को हाई फ्लेम पे कर दिया और हम पानी को एक मिनट के लिए गर्म होने देते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप नॉन स्टिक चीज को, कोई भी नॉन स्टिक कढ़ाई होती है, पैन होता है, तवा होता है, उसको आप लोहे के जूने से या किसी भी लोहे की चीज से स्क्रैच ना करें, वरना जो इसकी जो लेयर होती है ऊपर की, नॉन स्टिक लेयर होती है, वो हट जाती है एंड फिर उसके बाद में जो हमारा तवा, पैन, कढ़ाई, जो कुछ भी होता है वो यूजलेस हो जाता है। हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर उस लेयर के हटने के बाद में जो हमारा जो यूटेंसिल होता है वो पॉइजनस हो जाता है। एक मिनट हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी काफी गर्म हो गया है। अब मैं एक लकड़ी के स्पैचुला की हेल्प से, आप स्पैचुला ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक का जूना ले सकते हैं, बट प्लास्टिक का जूना आप यहाँ पर अभी नहीं लेंगे क्योंकि पानी काफी गर्म है, तो आप लकड़ी का स्पैचुला ले लीजिए एंड उसकी हेल्प से आप इस तरीके से इसको हल्का, धीरे धीरे तवे को हल्का सा स्क्रैच कर दीजिए। लकड़ी का हम स्पैचुला इसलिए यूज करें जिससे कि जो तवे की जो नॉन स्टिक कोटिंग है वो बाहर नहीं निकल आए और हमारी जो गंदगी है वो इजिली हट जाए। अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट हो गया, मैं गैस को बंद कर दूंगी और हम धीरे धीरे इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से स्क्रैच करते हैं। वेनेगर अपने आप में काफी एसिडिक होता है, तो इसकी वजह से जो भी गंदगी होती है वो फूल जाती है एंड देन फिर हम बहुत इजीली वुडन स्पैचुला की हेल्प से उस गंदगी को आसानी से निकाल पाते हैं। बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते एंड बहुत ज्यादा हमारा टाइम भी नहीं लगता। तो ये आप देख सकते हैं कि जो गंदगी है वो काफी आसानी से निकलती है। अब मैं इस पानी को स्पिल कर दूंगी एंड तवे को कोई भी लिक्विड सोप सोल्यूशन से अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। तो अब आइए देखते हैं हमारा ये तवा है वो कितना साफ हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तवा जो है वो कितना ज्यादा गंदा था, चिपचिपा था, वो बिल्कुल साफ हो चुका है, काफी हद तक साफ हो चुका है। यहाँ पर जो आप स्टेन्स देख रहे हैं ग्रीस के, वो बिल्कुल फूल चुके हैं। जो तेल बिल्कुल इस पैन पर जम गया था वो बिल्कुल फूल चुका है। अब हम इस तेल को बहुत आसानी से लिक्विड सोप सोल्यूशन और स्कॉच ब्राइट की हेल्प से आसानी से हम साफ कर सकते हैं। तो इस तेल को हम आसानी से अब पैन को दोबारा साफ कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका हैंडल भी गंदा हो रहा है, तो हैंडल भी हम आसानी से लिक्विड सोप सोल्यूशन और स्कॉच ब्राइट की हेल्प से साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पैन पे कुछ बूंदे लिक्विड सोप सोल्यूशन की डालूंगी और अब एक स्कॉच ब्राइट की हेल्प से हम आसानी से इस तवे को साफ कर सकते हैं। ये मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब मैं पानी से तवे को रिंस कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारा जो नॉन स्टिक तवा है वो बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है एंड जितना भी चिकनाहट थी, जितना भी चिपचिपापन था वो बिल्कुल निकल चुका है एंड हमारा तवा बिल्कुल साफ हो चुका है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा चिपचिपा जो तवा था, बहुत ज्यादा चिपचिपा था, बहुत ग्रीसी था एंड बहुत ज्यादा स्टेन्स लगे हुए थे, वो बिल्कुल साफ हो चुका है। बिल्कुल भी ऑयल ड्रॉपलेट्स नहीं है इसमें, चिपचिपाहट नहीं है। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी तरीका है अपना नॉन स्टिक तवा को बहुत कम टाइम में अच्छी तरीके से साफ करने का। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।